श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका से हम पाठ कर रहे हैं। हमने कुछ श्लोक कर लिए थे, इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ एक थीम कल हम पढ़ रहे थे, तो उस थीम को हमने थोड़ा सा आगे बिल्डअप करना था। तो मैं थोड़ा सा ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक पैराग्राफ में थोड़ा दो सिद्धांत दे दिए हैं, तो इसको मैं बताता हूं। तो न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। तो ये संसार में चिंताएं बहुत सारी, और सारे जितने भी प्रचारक हैं कृष्ण भावनामृत के, उनको ये सोचना चाहिए कि संसार कितने कष्ट में। सुबह सुबह कई घरों में तो सुबह ही लड़ाई हो जाती है, तो अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं, बहुत बहुत कष्ट। सुबह सुबह पानी भरना होता है, कई बार पानी सुबह 4 बजे आता है, तो उसका कष्ट होता है। हाँ, फिर रात में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो भी बड़े चालाक है, सुबह 4 बजे एक बार पानी देते हैं, एक बार 11 बजे, रात में 12 बजे। तो बहुत कष्ट, इतने सारे कष्ट हैं। फिर संसार में इतने लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, छोटी छोटी बातों पे कितना विवाद हो सकता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। तो ज्यादातर जो लोग व्यस्त हैं, आप देखेंगे यहाँ भी हमीरपुर में भी सब लोग इसी इसी चीज में व्यस्त हैं। सुबह आते हैं, कुछ नौकरी करनी है, बच्चों का ब्रेकफास्ट पैक करना है। बहुत कम ही लोग इस तरह से जिज्ञासु हैं जो जूम पे आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से ये संसार में जो हमें कष्ट हो रहा है उसका निवारण करने का, वास्तविक निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हमारी समस्या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, या फिर रोड पे जो वो समस्या वास्तविक समस्या। इसीलिए जो भी व्यक्ति फ्री में बिजली दे देता है, फ्री में पानी दे देता है, उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो उसी सरकार को, यहाँ भी देखेंगे आप हिमाचल में भी, उसी सरकार को वोट दे देते हैं। तो ये जो समस्याएं इस संसार में हैं, ये मेन समस्याएं नहीं, क्योंकि जो भी इस भौतिक संसार में रहेगा उसको ये कष्ट होगा ही हो। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये जो संसार है ये दुखालय और अशाश्वत। दुखालय है का मतलब
दुख इसमें है ही है, कोई भी प्रकार से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। केवल देखने में यह लगता है कि जो कुछ लोग बारात में नाच रहे हैं वो खुश हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो बारात में नाच रहे हैं उनके भी बहुत सारे टेंशन। कई लोगों की, मान लो कोई व्यक्ति किसी की फिटिंग, नया कपड़ा खरीदा लेकिन पैंट फिटिंग में नहीं आई, उसका कष्ट है। फिर कुछ लोगों को जूते साइज के नहीं मिले या मोजे साइज के नहीं मिले, उसके कष्ट। अलग अलग प्रकार से कष्ट अलग अलग प्रकार से होता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये दुनिया एक खुजली घर के समान, जो भी आता है उसको खुजली होने लगती है, ऐसे ऐसे करने लगती है। उस जगह अलग होती है कहाँ खुजली कर रहा है, लेकिन वो खुजली तो सबको होती है। कई बार सोचते हैं कि बाबा बन जाएंगे तो शायद कष्ट कम होगा, तो नहीं ना। तो एक बार आप बन जाते हैं तो स्वास्थ्य कभी साथ नहीं देता है। मान लो स्वास्थ्य भी अगर साथ देता है तो आपका मन ही एक जो है कहता है कि मैं कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे भक्त लोग तो इसीलिए दुखी। खैर ये तो सही कारण है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस संसार में कष्ट होता ही होता है अलग अलग प्रकार से। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, लेकिन हम किसी न कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने का जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और इस विषम परिस्थिति में क्यों डालते हैं। तो केवल बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस चीज को देख पाते हैं कि मैं इस संसार में आया, वाह वाह रो रहा था, फिर छोटा सा था मैं, इतना बड़ा वो ऐसे उंगली डाल डाला रहता था मुंह में, जो भी मिलता था उसको मुंह में डालने लगता, फिर मम्मी का दूध दूध पी करके, माँ का दूध पिया, फिर कैसे करके, फिर लोग मुझे खिलाते थे, दाल मोटे थे, ऐसे 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 करके जाते थे, बहुत बुरा लगता था। जो मेरा गाल टच करके जाता ना, मुझे बहुत बुरा लगता। तो अब जो ऐसे बच्चे होते ना मोटे गाल वाले, उनको लोग बहुत गाल टच करते हैं। यानी हम भगवद गीता हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है कि वास्तविक समस्या को सॉल्व करना चाहिए। पानी की समस्या वास्तविक समस्या नहीं, वास्तविक समस्या साफ सफाई की नहीं, वास्तविक समस्या गंदगी की नहीं, कूड़े की नहीं। सॉल्व करना है इनको भी, लेकिन इसके साथ साथ उस समस्या को सॉल्व करना है जिसके लिए हम इस संसार में आए, नहीं तो ये संसार में कष्ट कभी खत्म नहीं होता, कोई तरीका ही नहीं खत्म होने। आप इस जन्म में इस तरह से पानी की समस्या सॉल्व कर देंगे, बिजली की समस्या सॉल्व कर देंगे, मान लो केजरीवाल जी सॉल्व कर देंगे, है ना, या फिर हमारे जी सुखविंदर जी सुक्खू जी सॉल्व कर देंगे, है ना। नहीं, केजरीवाल जी ने ये स्टार्ट किया फ्री देना, पर इस जन्म का तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भगवान का भजन करके हम ऐसे धाम में चले जाएंगे, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो कह रहे हैं कि जिस स्थान पर, ऐसे स्थान पर हम चले जाएंगे जहां पर सब कुछ चिन्मय है, वहां पर भगवान के धाम में कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब उसके पास आप बैठोगे, जो इच्छा करोगे वो प्रकट होगा, और सब कुछ चिन्मय है, गुलाब जामुन भी चिन्मय है। अगर आप इच्छा करोगे हे गुलाब जामुन आप मेरे मुंह में आ जाओ, तो व्यक्ति है गुलाब जामुन। ऐसे भगवान के धाम में रहते थे, ना कोई होमवर्क, ना कोई असाइनमेंट, ना कुछ करना होता था, भगवान के साथ बस खेलना था, बस खेलते थे,
और यशोदा मैया लंच पैक करके सारे दे देते थे, वो लंच खाते थे, यमुना में स्नान करते थे और पेड़ों के पत्तों पे, पेड़ों पे खेल रहे हैं, वहां फल होते थे। वो गोलोक वृंदावन छोड़ के हम यहाँ पर आ गए। अब इस भौतिक संसार में हम बोल रहे हैं कि भाई हम सुखी होना चाहते हैं। हरे कृष्ण पर वो जी दल। तो अब इस संसार में सुख के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास चल रहा है। कोई कहता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, फिर को महंगे स्कूल में पढ़ाओ। महंगे स्कूल में पढ़ाने पर कई लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को तो क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ाई मिलेगी। वहां पर इतनी गंदगी है महंगे स्कूलों में, मैं आपको बताऊं डीपीएस जैसे स्कूलों में इतनी गंदगी है, क्लास 6 के बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, क्लास 6 के बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, सोचिए। और बच्चे बच्चियां 9th 8th 10th क्लास की जो बच्चियां हैं वो क्लब्स में जा रही हैं, पार्टीज में जा रही हैं, और 12th क्लास तक तो पूरा मतलब इतना तक हो जा रहा है कि बच्चे अबॉर्शन तक हो जा रहे ये मतलब ऐसे स्कूल। और डीपीएस स्कूल का डेटा मैं बता रहा हूँ, तो दिस इज द डेटा ऑफ डीपीएस स्कूल जो कि सबसे मेन बहुत बड़ा स्कूल है। इसी तरह से इंटरनेशनल स्कूल्स आजकल बहुत सारे चल रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज हमको किस तरह के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो महाराज ने कहा कि जिस प्रकार की आपकी आमदनी है उसके अनुसार जो भी आपको सिंपल सा कोई स्कूल मिलता है उसमें आप पढ़ा लीजिए, साथ में उस बच्चे को घर में आध्यात्मिक संस्कार दीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक संस्कार उसके पास रहेगा तो वो इस भौतिक संसार से निकल जाएगा। नहीं तो इस भौतिक संसार में रहेगा तो हर जन्म में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पड़ोसी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, बांग्लादेश की समस्या, हिंदू की समस्या, मुसलमान की समस्या, क्रिश्चियन की समस्या, कन्वर्जन की समस्या, ऐसी समस्याएं चलती रहेंगी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब चलता ही रहेगा। अगर इस भौतिक संसार में रहेंगे तो ये खुजली घर के समान है, यहाँ खुजली होती ही रहेगी। जिसको सास नहीं परेशान करती उसको पति परेशान करता है, जिसकी पति नहीं परेशान करता उसकी सासू माँ परेशान, कोई नहीं परेशान करता तो सासू माँ भी ठीक है, पति भी ठीक है, तो पड़ोसी परेशान करते हैं, कुछ नहीं तो दहेज कम आ गया। समस्याएं इतने प्रकार की हैं इस संसार, तो इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या है। तो हम जीव भगवान के अंश, हम ये शरीर जो बाहर का है ये हम नहीं है। इसी को व्यक्ति हमेशा देखता है कि मैं सुंदर हूं, है ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये बाहर के शरीर पे ही पेंट लगाता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि वास्तविक समस्या को सॉल्व करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं ये एक्चुअली क्या करें ना, ये हमारा जो फ्लैट है ये थोड़ा छोटा है, अगर हम बड़ा फ्लैट ले लें ना तो वहां पर ठीक रहेगा, थोड़ा किराया ज्यादा होगा लेकिन वहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, बड़ा फ्लैट ले लेंगे तो किराए की ही प्रॉब्लम है, इतना किराया कौन देगा। तो मान लो अगर बड़ा फ्लैट कोई बोले कि भाई मान लो कि हम नहीं, हम छोटे फ्लैट में हम रहेंगे, तो फिर छोटे फ्लैट रहेंगे तो फिर वहां पे रहने में दिक्कत है। फिर आप कहेंगे नहीं, हम ऐसा करेंगे ना एक ऐसी जगह पे रह लेंगे, हम मेट्रो सिटीज में रहेंगे, है ना, गुड़गांव में ले लिया आपने फ्लैट, खुला खुला है सब कुछ, खुला खुला है, प्रॉब्लम क्या है, सब्जी लेने के लिए मॉल में जाना पड़ता है। जो गुड़गांव में रहते हैं उनको ये मालूम होगा, छोटे मोटे जीरा आपके घर में खत्म हो गया उसके लिए आपको कार से ड्राइव करके जाना पड़ेगा जीरा खरीदने के लिए। इतने कष्ट, आप सोचेंगे जितने का जीरा नहीं लिया आपने, मान लो अगर जीरा इस लाइक 70-80 रुपए का 100 ग्राम आपने लिया तो 50 रुपए का तो तेल ही लगा दिया। कष्ट के तरीके अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नया कुछ करते हैं इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चलिए ये चीज नहीं किया ना हमने
इसलिए हमारी प्रॉब्लम, हर व्यक्ति यही सोचता है कि अगली बार से जब हम फ्लैट लेंगे या फिर अगली बार से जब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, बिजली की समस्या, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। अरे बाबा, ये संसार में समस्या के तरीके अलग अलग है, समस्या सब जगह हो। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ये सोचेगा कि यार बचपन से लेके आज तक हमेशा समस्या रही, हमेशा समस्या रही। जब छोटे थे तो कोई होमवर्क की समस्या, बॉटल खो जाते थे, बैग खो जाता था, कोई मेरा पेंसिल रबड़ छीन लेता था, स्कूल में लड़ाई हो जाती थी, उनको दो थप्पड़ मार दिया। वो थोड़ा बड़े हो गए तो फिर क्रिकेट की समस्या। हम वो मुझे याद है मैच हम खेलते थे तो उसमें उस समय हमें पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, पैसे, कुछ पैसे होते थे उसका हम मैच खेलते थे। मतलब जैसे कि 100 रुपए या 50 रुपए ऐसे कंट्रीब्यूट करते थे सारे प्लेयर्स, और उसका मैच होता था। और जब कोई व्यक्ति मैच हम अगर कोई जीतता था तो वो जो पैसे आते थे उसका कुछ कोल्ड ड्रिंक बिस्किट ये सब लेकर के उसको पार्टी करके खत्म करते थे। लेकिन उस समय इतनी प्रेशर रहता था, मैं बॉलर था मुझे याद है कि, और इतनी समस्या रहती थी, फिर थोड़ा उस समय इतनी टेंशन होती थी, अरे यार क्या होगा, ये आउट नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसा। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति जूझता हुआ ये समझ नहीं पाता है कि सबको समस्या हो रही है और सब लोग कष्ट पा रहे हैं, तो ये दुनिया में ही प्रॉब्लम है। अगर सब लोग कष्ट में हैं तो ये दुनिया से बाहर निकलना बुद्धिमानी है। जो लोग भगवान में मन लगा करके, भगवान का भक्ति करके, भगवान के कीर्तन में बैठ करके, इस्कॉन मंदिर में जा करके, ये करके अपने जीवन को सफल बनाकर फिर इस संसार में नहीं आते हैं, वो लोग बुद्धिमान है। और वो लोग जो लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम, ऐसा करते हैं ना कि सामने वाली जो जगह है इसको हम एनक्रोच कर लेते हैं तो हमारी गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। ऐसे बेवकूफ बनाती है माया देवी और हम बेवकूफ बनते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व द अल्टीमेट प्रॉब्लम, दैट इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या है, चार मेन प्रॉब्लम्स: जन्म होना इस भौतिक संसार, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि। सबको बुढ़ापा आता है, जितने भी ब्यूटी क्वींस रही आज तक। अभी देखो जैसे हमारे मान लो कोई बहुत सुंदर रहा होगा, बाद में उसकी भी झुर्रियां पड़ जाती है, तो फिर वो बेचारी सोचती है कि मैं कैसे सुंदर लगूं। अभी 4-5 साल के लिए जवानी रहती है, उसी समय व्यक्ति सुंदर रहता है। अब उसके वो तो ब्रह्मा जी ने बनाया कि इसी उम्र में इनकी शादी हो जाए। तो इस चीज को जो है समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कह रहे कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में जिए जानने की जिज्ञासा करते हैं कि हम कौन हैं और हम हमेशा कष्ट क्यों बने हुए हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं माना जाएगा। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। तो जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे आता है कि अरे हाँ यार, ये स्वामी जी सही कह रहे हैं, शुरू से ही कष्ट तो सबको बना हुआ है। हम कमरे बदल देते हैं, फ्लैट बदल देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ भी करने पर कष्ट खत्म नहीं होते। इसका मतलब क्या है, हम इस भौतिक संसार में हैं, ये दुखालय है, यहाँ पर दुख मिलता ही है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती, मदिरालय में मदिरा मिलती, उसी तरह से इस दुखालय में दुख मिलता है। तो क्या सॉल्यूशन, जहाँ एक माता जी का वीडियो आता ना, मैंने बताया था आपको, एक माता जी वो बोलती है मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ऐसे है नहीं, एक शॉर्ट वीडियो। तो बागेश्वर धाम जी और कहते हैं
कर मस्त जवानी, मतलब किसने देखा कब मृत्यु आ जाए, तो क्या करना चाहिए, स्वान के मंदिर जाना चाहिए, भगवान की भक्ति सीखनी चाहिए, और इस जन्म में ही इस संसार में फिर दोबारा नहीं आना अगले जन्म में, नहीं तो फिर से वही होगा, फिर से वही LKG UKG, ये पढ़ाई वो होमवर्क, ये फिर शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे तो उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, बच्चा गधा निकल गया, आधा लूला लंगड़ा निकल गया, क्या मालूम, अब किसी माँ को तो मालूम नहीं है, नहीं तो लूले लंगड़े भी बच्चे पैदा हो रहे, अंधा बच्चा पैदा हो जाता है कई बार, कितना भी योगा कर लो कोई जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ रहो, योगा करने वाले लोग मर नहीं रहे क्या, सब मर रहे, इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी साधु की कृपा से किसी के अंदर ये आता है कि यार प्रभु जी कितना सही कह रहे, ये बात सच है, हमें हमेशा कष्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी की पूरी दिल्ली, पूरा का पूरा इंडिया, सब लोग कष्ट में, आपको मालूम है सलमान खान नाम के एक हीरो हैं, आपको नहीं पता होगा, हीरो उनको बोलना गंदी बात होगी, हीरो नहीं है वो बेचारे, अपनी इंद्रियों के दास हैं, जो भी उनकी काम वासना से ओतप्रोत हैं, रोज अलग अलग पाप करते हैं, और उनको जो है साइटिका नाम का एक रोग होता है, उस रोग में एक बाल्टी भी नहीं उठा सकता कोई व्यक्ति पानी, तो सलमान खान जी बस देखने में ही बड़े डौले शौले दिखाते हैं और एक बाल्टी पानी तक नहीं उठा सकते, लेकिन ये कि फिल्म में क्या दिखाते हैं, ऐसे एक घुसा मारा 10 किलोमीटर व्यक्ति जाके गया, तो हमारा बहुत, और जबकि ये व्यक्ति इतना कमजोर व्यक्ति है, बहुत ही कमजोर, हर छोटे छोटे कार्यों के लिए टैबलेट खानी पड़ती तब जाके ताकत आती है, तब जाके कुछ कर पाता, इतना कमजोर है, और शाहरुख खान को, मेरे गूगल कंपनी में मैं जॉब करता था वहां पे आया था, तो इतना बूढ़ा इतना गंदा लगता है, उससे ज्यादा स्मार्ट तो हमारे घर के दूध वाला है शाहरुख खान जो है, सारे लोग बहुत कहते हैं शाहरुख खान शाहरुख खान, ऐसे बहुत ज्यादा कहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपके किसी के भी घर में जो दूध देने वाला आता होगा वो शाहरुख खान से ज्यादा स्मार्ट है, इतना बुढ़ा इतना बेकार लगता है, कोई उसके सब लोग सोच रहे थे कि भाई शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा, इतने बुढ़े व्यक्ति के साथ कौन फोटो, इतना बेकार लगता है चेहरा उसका, अब ये लोग फेस लिफ्ट मेकअप और पता नहीं क्या क्या करवा करके अपने को सुंदर दिखा देते है ना भाई, अब वीडियो कैमरा में जो दिख रहा है वो सच होता थोड़ी अंदर से खोखले रहते हैं एकदम, क्योंकि भाई हमेशा गंदी चीजों में लगे हैं, अंदर से एकदम खाली कमजोर लोग हैं, और लोग कह रहे सलमान खान आ गए, सलमान, कोई सलमान खान नहीं है, ये लोग बहुत कमजोर लोग हैं, एक एक छोटे छोटे कार्य के लिए दवाई टैबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर यहाँ यहाँ पर, पता है हमारे भक्त लोग तो मंदिर में आते तो पूछ लेते हैं हमारे, एक बार हेमा मालिनी माता जी हैं, अभी तो भक्त बन गई हैं, तो उनसे हमारे एक भक्त ने पूछ लिया कि माता जी आप कौन सा क्रीम लगाती हैं, आप ये साबुन लगाती हैं क्या जो आप प्रचार करती हैं, बोलती नहीं मैं तो बेसन और दही लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती ये सब, ये तो बस प्रचार के लिए, मैं अपने पैसे कमाने के लिए ये साबुन का ऐसे करें, ओह तो अभी बहुत समय हो गया, मैं ये भगवद गीता क्लास को एंड करना था, ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद ये सिद्धांत दे रहे हैं आप समझिएगा, ठीक है, हरे कृष्ण, इससे आगे हम चर्चा कल करेंगे, अभी हम अपनी वैष्णव भजनों की जो